अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्राउनी की रेसिपी। बहुत अच्छी और लजीज बनती है और आज आप ये मेरे स्टाइल से भी बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 4 अंडे हैं और 1 कप मैदे का है। ब्राउन शुगर है, मैंने गुड़ का चूरा लिया है, मुझे इससे ज़्यादा अच्छी टेस्ट ब्राउनी में लगती है, तो इसलिए मैंने 1 कप गुड़ का चूरा लिया है। आप ब्राउन शुगर भी ले सकती हैं और नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं। और उसके अलावा कोको पाउडर है 4 टेबल स्पून, 1/2 टी स्पून नमक है, मक्खन है 200 ग्राम, और कुकिंग चॉकलेट है। कुकिंग चॉकलेट आप लिक्विड में, बोतल में, जार भी ले सकती हैं। मेरे पास कुकिंग चॉकलेट का बड़ा बार था जिसमें तकरीबन मैंने छुरी के साथ काट के 1 कप यहाँ रखा हुआ है, और 1 टीस्पून मैंने वेनिला एसेंस लिया हुआ है। सबसे पहले तो मैंने एक डेगची में पानी डालकर उबालने के लिए रखा हुआ था, उसके उबलते ही उसके ऊपर मैंने एक जार रख दिया है और उसमें वो कुकिंग चॉकलेट जो मैंने पीसों में करके ऐसे टुकड़ों में रखा हुआ है वो डाल दिया है। उसमें मक्खन ऐड कर दिया है। अब इनको मैं आहिस्ता आहिस्ता चलाती जाऊंगी, नीचे उबला हुआ पानी है तो खुद ही ये सारी चीज़ें मिक्स होके मेल्ट हो जाएंगी। वैसे ये आप माइक्रोवेव ओवन में भी कर सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा अच्छा और जल्दी हो जाता है, तो मैं इसी प्रोसेस से करती हूँ। ये हमारा आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो चुका है, तो अब इसको हम साइड पे कर देंगे जाए कुछ। और मैंने सबसे पहले ये एक बर्तन को इस तरह ऑयली करके ये कुकिंग पेपर लगा कर ये साइड पे रख लूँगी। ये आप देख रहे हैं मेरा केक का सांचा है, इसको मैंने इस तरह रख लिया। सबसे पहले ब्राउन शुगर और एक एक करके ये अंडा मैं इसमें तोड़ दूंगी, वो भी ऐड कर दूंगी, और इसको हम अच्छे तरीके से बीट कर लें। इसको ज़्यादा देर नहीं, बस हल्के हाथ से चलाना है, ज़्यादा देर बीट नहीं करना है, इसलिए मैंने मशीन नहीं यूज़ की, बस इनको आपस में मिक्स कर लेना है। अगर हम इसको ज़्यादा बीट करते हैं तो ये केक की तरह फूला हुआ बनेगा, क्योंकि हमने फजी ब्राउनी बनानी है तो हमने इसको ज़्यादा बीट नहीं करना है। और ये आप देख सकते हैं मैंने मैदा और कोको पाउडर भी इस तरह छान के इसमें ऐड कर दिया है, और ये साल्ट था वो भी मैंने डाल दिया। अब ये बीटर की मदद से, हैंड बीटर की मदद से मैं इसको चला लूँगी, आप देख सकते हैं। आप स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं बीट मिलाने के लिए। इसको अब ज़्यादा हम बीट नहीं करेंगे, बस इस तरह करके ये मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें। वेनिला एसेंस भी मैंने डाल दिया है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। और जो मसाला मैंने चॉकलेट का और मक्खन का बनाया हुआ था वो भी इसमें डाल दिया है। अब ये सारा मेथड जो है हम ये इस सांचे में डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा इस तरह नीचे लगा के हिलाएंगे कि अंदर एयर बर बैटर अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए और अपनी जगह पकड़ ले। उसके बाद मैंने ओवन पहले ही प्री हीट किया हुआ था 180, तो हम इसको रख देंगे तकरीबन 35 मिनट्स के बाद। मैंने ये चेक किया है, आप देख सकते हैं ऊपर से कैसे इसका क्रिस्पी सा लुक आया है और इस तरह दराड़ें बन गई हैं। अगर ये आपकी बन जाती हैं तो आप समझें आपकी बहुत अच्छी ब्राउनी बन चुकी है।
ये केक की तरह नहीं बनती, इस तरह अगर ऊपर से क्रिस्प की तरह थोड़ा सा आता है लुक। हमारी फजी ब्राउनी तैयार है। अब मैं ये काट के आप लोगों को दिखाती हूँ, इसका लुक दिखाती हूँ। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्प होके इस तरह बनी। इसकी पहली शनाख्त यही है कि बहुत अच्छी ब्राउनी ये तैयार है, जिसमें दरारें भी पड़ चुकी हों। ये अंदर से भी लुक देखें, इसका बिल्कुल फजी है और ऊपर से देखें तो ये क्रिस्प है, नीचे से भी इस तरह है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।